पानीपत का एक हुनरबाज अब आपको टीवी पर नजर आएगा। पानीपत से मुंबई तक का सफर इस हुनरबाज के लिए आसान नहीं था। जी हाँ, हर्ष की कहानी सुनकर आप भी भावुक उठेंगे। दरअसल हर्ष अपने परिवार के साथ पानीपत के भावना चौक पर किराए पर रहता है। उसकी माँ एक अस्पताल में सफाई का काम करती है, पिता फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। महज 9 साल की उम्र में हर्ष डांस करने लगा। आर्थिक हालत ठीक ना होने की वजह से आगे डांस नहीं कर सकते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान सहारा होता है। हर्ष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस वक्त हाजी साधना नाम की किन्नर ने हर्ष को आगे बढ़ाने की ठानी। ऑडिशन देने से लेकर कपड़ों तक का खर्च उन्होंने उठाया और आज हर्ष उस मुकाम पर पहुंच गया है जिसे देखकर हाजी साधना से लेकर परिवार तक की खुशी का ठिकाना नहीं है। हर्ष राणा जल्द कलर्स चैनल के प्रसिद्ध शो हुनरबाज देश की शान में डांस के जलवे बिखेरता नजर आएगा। 19 वर्ष के हर्ष ने अपने हुनर के दम पर मेगा राउंड में जगह बना ली है। हुनरबाज एक शो में सिलेक्शन हुआ है कलर्स चैनल पे, हुनरबाज देश की शान में। तो मैं चाहूंगा कि लड़का दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे, और इसमें मेरी गुरु हाय साधना जी ने भी अच्छा एक किरदार निभाया। मतलब कि वो अपना बच्चे ही मानते हैं, उनको मेहनत करता है, दिन रात मेहनत किया मैंने उसका। 9 साल थोड़े नहीं होते, और अब जाके उस बच्चे का एक सिलेक्शन हुआ है, और टूट भी गया था बीच में। मतलब कि जैसे कि वैष्णो का सिलेक्शन हुआ तो बोलता है कि राधा सर मेरी मेहनत में कहाँ कमी रह गई है, कि भी मेरे से जो मेरे के बाद बच्चे आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा, मेरा सिलेक्शन हो रहा। फिर उसके बाद एक लड़की पलक का सिलेक्शन होगा, फिर मेरे को बोलता कि राय सर मेरी मेहनत में कहाँ कमी है। तो मैंने उसके एक बात बोली, बच्चे भगवान जब देगा ना तो ऐसा देगा कि तू भी देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। तो उसको शायद उसको बच्चे वाले शो में नहीं लेना था, उसको बड़े वाले शो में लेना था। तो अभी उसका एज 19 साल है, तो उसका सिलेक्शन हुआ है। जो सिलेक्शन की जो पीछे सबसे मेहनत है वो मेरे गुरु की है, वो जिनका नाम राधे पांचाल है। वो एक डांस स्टूडियो चलाते हैं पानीपत में, जिनके स्टूडियो भी हैं। और जो मेरी माँ है गुरु हाजी साधना जी, और मेरी दीदी हैं सोनिया दी, और मेरे भाई और मेरे घर की फैमिली, ये सबका पूरा साथ। ये मेरे को स्कूल में मिला था। स्कूल में जैसे मैं समाज सेविका हूँ, स्कूल में बच्चों को देखने जाती हूँ, किसको किताबें बांट जाती हूँ, किसको कुछ करने जाती हूँ, वहीं मुझे हर्ष मिला था। और इसका डांस ही मैंने देखा था वहाँ पे, इसमें टैलेंट मैंने देखा ना हर्ष का, तो मेरे दिल में आई कि अच्छा ये गरीब घर का बच्चा है, आगे जाए, मेरे को पूरी उम्मीद है जीत के आएंगे, हमारा आशीर्वाद इसके साथ है। और ऊपर से क्या नाम है, इसका डांस देख के, इसका हुनर देख के मिथुन दानेश का आशीर्वाद है कि बेटा तो बहुत ऊंचाई को छूने वाला है। वही हर्ष के इस सफर में उसका भरपूर साथ दिया उसके गुरु राधे पांचाल ने, जिन्होंने हर्ष को हाथों से 9 साल डांस सिखाया। हर्ष का सिलेक्शन हुआ तो दिव्यांग गुरु राधे और किन्नर हाजी साधना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी होनी भी लाजमी है, क्योंकि जो शख्स खुद चल न सकता हो और उसका शिष्य ऐसा मुकाम हासिल कर ले, इससे गर्व की बात आखिर क्या होगी। कलर्स टीवी पर आने वाले रियलिटी शो में भी हुनरबाज ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया है। सबको उम्मीद है कि हर्ष हुनरबाज शो जीत कर ही लौटेगा। प्रदीप रेढ़ू, पानीपत, खबरें अभी तक।